ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते पूरा कर लिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 25 जनवरी को रिलीज के कारण फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है, लेकिन फिल्म ने 15 दिनों में अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन भी नहीं कर पाई है। दूसरे हफ्ते की शुरुआत होते ही सोमवार से फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दिखाई देने लगी है। इतना ज्यादा गिरावट है कि हफ्ते के आखिरी दिन गुरुवार को यह फिल्म 3 करोड़ रुपए का बिजनेस भी नहीं कर सकी है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फाइटर का चुनौती शुक्रवार से शुरू हुआ है। ऐसा इसलिए कि अब तक सिनेमाघरों में इस फिल्म के सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन 9 फरवरी को शाहिद कपूर और कृति सेनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि रिलीज के साथ ही फिल्म को एक कंपटीशन मिला है। हालांकि गिरती कमाई के बावजूद फाइटर अभी करोड़ों में कमा रही है। ऐसे में वीकेंड में इसके कारोबार में उछाल आने की पूरी संभावना है। सैक नायल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन गुरुवार को फाइटर ने महज 2.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। बुधवार को फिल्म ने 3 करोड़ रुपए कमाए थे और इस तरह कमाई में 8% की गिरावट आई है। फाइटर ने पहले हफ्ते में 146.05 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में महज 41 करोड़ रुपए कमाए हैं। 15 दिनों में अब फाइटर का टोटल कलेक्शन 187 करोड़ रुपए है। फाइटर एक एरियल एक्शन फिल्म है। फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है। ऐसे में 2 हफ्ते बाद भी यह फिल्म भारत में हिट या सुपरहिट नहीं हो पाई है। हालांकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इसने जरूर 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। 15 दिनों में फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 313.50 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज डंकी से भी बुरी है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाइए।